टाइम्स बहुत ज्यादा है वो हमको रिमूव करने हैं हेयर कटिंग के साथ में। तो देखिए किस तरह से हमने हेयर कटिंग के साथ में स्प्लिट एंड्स को भी रिमूव किया है वो देखने वाली बात है। हेयर्स बहुत थिन है, हैवी नहीं है और इनको ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करने हैं, फिर भी 4 इंच के करीब लेना पड़ेगा। हेयर कटिंग देखिएगा कि किस तरह से हमने स्प्लिट एंड्स को रिमूव किया है और हैवी लुक लाने के लिए जो हेयर कट दिया है वो देखने वाली चीज है। हैंड वॉश किए हुए हेयर्स में सबसे पहले हम वाटर स्प्रे करेंगे और उसके बाद में हेयर्स को अच्छी तरह से सुलझाएंगे। इस प्रकार उलझे हुए हेयर्स को सुलझाने के बाद में फिर हम अपना हेयर कटिंग का कार्य शुरू करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी हमने अलग अलग तरह का हेयर कट आपके सामने पेश किया है और ये हेयर कटिंग भी हमारी कुछ इस प्रकार की होगी कि थिन हेयर्स में हैवी लुक लाने के लिए हमने जो कट किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा होने के कारण हमको हेयर कटिंग इस तरह से करनी है जिससे कि स्प्लिट एंड्स इन हेयर्स के रिमूव हो जाएं, वही ध्यान में रखते हुए हमने हेयर कट किया है। और देखिए हेयर्स को सुलझाने के बाद में अब हम सेंटर पार्टिंग करेंगे और सेंटर पार्टिंग करके हमने हेयर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड करने के बाद में फिर हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग की। हैवी लुक लाना है तो ज्यादा हैवी हेयर्स नहीं है, थिन हेयर्स में ही हमको हैवी लुक लाना है तो ईयर टू ईयर पार्टिंग हमने ज्यादा ईयर के बैक पोर्शन से हेयर्स को नहीं लिया है, हमने थोड़ा कम हेयर्स को लिया है। ये देखिए क्लियरिटी के साथ में हमने पार्टिंग की और पार्टिंग किए हुए हेयर्स को हम फ्रंट पोर्शन में लाते हुए कॉम करेंगे। इस तरह से ये हमारे फ्लिक के हिसाब से हेयर्स की पार्टिंग हो गई। ये फ्लिक वाले हेयर्स का हमने जो सेक्शन तैयार कर रहे हैं उन हेयर्स को हम लॉक करेंगे और हेयर कटिंग के बाद में फिर फ्रंट पोर्शन का हेयर कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से कॉम किया सुलझाते हुए और इन हेयर्स को हमने लॉक किया। ये हमारा जो सेक्शन है फ्रंट पोर्शन का डिवाइड हो गया और अब हम बैक पोर्शन के हेयर्स को लेंगे और कॉम करते हुए फिर सेंटर पार्टिंग करेंगे। और सेंटर पार्टिंग करने के बाद में राइट हैंड साइड के पार्टिंग किए हुए हेयर्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तरह से फ्रंट पोर्शन के हेयर्स हमारे डिवाइड हो गए, लॉक कर दिया और फिर सेंटर पार्टिंग की हमने बैक पोर्शन के हेयर्स को और उसके भी राइट हैंड साइड के जो हेयर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये हमने राइट हैंड साइड के
हेयर्स को लॉक किया और लास्ट वाले जो हेयर्स हैं उनको इसी तरह से छोड़ दिया। इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स को लेंगे। हमने उन हेयर्स को दो भागों में डिवाइड किया और अच्छे से सुलझाने के बाद में फिर हम इन हेयर्स को लॉक करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड की पार्टिंग जो हमने की थी उसका सेक्शन तैयार किया और लॉक कर दिया। और इसी प्रकार थर्ड सेक्शन हमारा जो है उनको भी हमने लॉक कर दिया। अब हम हेयर कट राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। वो देखिए किस प्रकार हम करते हैं। हेयर्स की क्वालिटी के अनुसार, चॉइस के अनुसार और अलग स्टाइल के अनुसार हमको हेयर कट जब करना होता है तो हमको अपना माइंड मेकअप पहले से करना होता है कि किस तरह का हम कट करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड का हमने स्टार्ट किया और करीब 4 इंच के हेयर लगभग के हेयर्स हैं ये, उनको हमने कट कर दिया। ये हमने 4 इंच के करीब लगभग बालों को कट किया है। पहले हमने 0 डिग्री से किया है और अब हम इस तरह से थोड़ा उठाकर लेकर आ रहे हैं। ये देखिए कॉम करते हुए ग्रिपिंग के साथ में इस तरह से कॉम की सहायता से हम हेयर्स को फोल्ड करते हुए लेकर आए और हल्का सा हाइट पर लेकर बालों को कट किया। एक बार फिर से देखिए हम बालों को कॉम करते हुए इस तरह से लेकर आए और इन हेयर्स को देखिए कलाई को हमने टर्न किया है, ट्विस्ट किया है और हेयर्स को हमने फिंगर ग्रिपिंग के साथ में लेकर आए और ट्रिम किया। हर बार छोटे बड़े हेयर्स हमको दिखाई दे रहे हैं जो हम ट्रिम करते जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए फिर से हम सारे हेयर्स को लास्ट वाले जो हेयर्स हैं हमारे सेक्शन है इस तरह से लेकर आए, स्ट्रेट ले गए और ट्रिम किया। इस प्रकार हमारे राइट हैंड साइड के लास्ट वाले हेयर्स हमारे कंप्लीट हेयर कट हो गया। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड के जो हेयर्स हैं जो लॉक किए हुए थे उनको हमने खोला और कॉम किया। अब हम जो हेयर कटिंग हमने कर दी है राइट हैंड साइड के हेयर्स की उसमें से हमने गाइडलाइन दी देखिए और फिर हम स्ट्रेट ले गए और ये देखिए 4 इंच के करीब हेयर्स हैं उनको हमने कट किया। गाइडलाइन के अनुसार अब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का भी कट हो रहा है। इस तरह से देखिए कॉम करते हुए हम थोड़ा हाइट पर ले गए बालों को। एक बार फिर से देखिए अच्छे से देखिए कि किस तरह से हमने कॉम किया और अपने फिंगर ग्रिपिंग और कलाई को ट्विस्ट करते हुए हमने ये हेयर्स को लिया और जो छोटे बड़े हेयर्स हैं उनको कट किया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड के भी हेयर्स हमारे राइट हैंड साइड के हेयर्स के मुताबिक कट होते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम ले गए हाइट पर और हमने ट्रिम किया। ये हमारे बैक पोर्शंस के जो हेयर्स हैं लास्ट वाले जो लॉक किए हुए हेयर्स हैं उनका कट हमने किया और एक बार फिर हमने सारे हेयर्स को साथ लेकर चेक किया कि इक्वल है नहीं है और ट्रिम कर दिया। ये देखिए हमारे सारे बैक पोर्शंस के लास्ट वाली जो फ्लिक थी उनको प्रॉपर वे में हमने
कट कर दिया। इस तरह से ये हमारे सारे हेयर्स की गाइडलाइन हो गई। और बैक पोर्शन के हेयर हमारे कंप्लीट हुए। अब हम राइट हैंड साइड के जो हमने हेयर्स को लॉक किया हुआ था, मिडिल वाली जो लॉक किए हुए हेयर्स थे उसको खोला और गाइडलाइन लेकर हम कॉम्ब करते हुए ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट ले गए। और वही 4 इंच के करीब हेयर्स हैं, आप आराम से देख सकते हैं हमने हेयर कट दिया। एक बार फिर से देखिए गाइडलाइन हमारे साथ है, जिनका हेयर कट हम कर चुके हैं वो गाइडलाइन हमने ले रखी है अपने ग्रिपिंग में। और सारे हेयर्स को कॉम्ब करते हुए, कलाई को ट्विस्ट करते हुए फिंगर की ग्रिपिंग के साथ में हेयर्स को ले गए। और देखिए करीब 2 इंच के करीब छोटे बड़े हेयर से वो हमने कट किया। राइट हैंड साइड का ये कट हमने किया है और एक बार फिर से हाइट पर ले जाकर उसी अंदाज में कलाई को ट्विस्ट करते हुए फिंगर की ग्रिपिंग के साथ में कॉम्ब करते हुए हम हेयर्स को ले गए। और ये देखिए इतने हेयर्स का, जो छोटे बड़े हेयर्स हैं हमने उनका कट किया। ये हमारा राइट हैंड साइड का कट लगभग कंप्लीट हुआ। और एक बार चेक फिर से हम कर रहे हैं कि कहीं छोटे बड़े हेयर्स तो नहीं है, फिर से हम चेक करेंगे। ये देखिए उसी प्रकार हम हाइट पर हेयर्स को कॉम करते हुए ले गए और उसी कलाई को टर्न करते हुए, ट्विस्ट करते हुए फिंगर की ग्रिपिंग के साथ में हमने हेयर्स को ट्रिम किया जो छोटे बड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। हेयर्स को बार बार चेक करके कट करना कोई वीकनेस नहीं होता है, अच्छे से सेटिस्फाइड अगर हम होते हैं तो हमारी कटिंग बहुत अच्छी होती है। हम दूसरों को सेटिस्फाइड तभी कर सकते हैं जब पहले हम खुद सेटिस्फाइड हों। खुद को जब सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी काम का, तभी हम दूसरों को शो कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये देखिए फिर से ट्रिम किया हमने हेयर्स को, सारे हेयर्स हमारे इक्वल अब नजर आने लगे। और इस प्रकार राइट हैंड साइड का जो मिडिल लॉक किए हुए हेयर्स थे वो हमारे कट हो गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के भी हेयर्स को उसी प्रकार कट करेंगे जिस तरह से राइट हैंड साइड में किए थे। तो जो लॉक किए हुए हेयर्स हैं मिड वाले, उनको लॉक को खोला और आपको खुद दिखाई देगा कि हम जब कॉम कर रहे हैं तो कितना कट किए हुए हेयर्स में और विदाउट कटिंग वाले हेयर्स में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। करीब 4-5 इंच के करीब हेयर्स हैं, देखिए आप, ये देखिए इतना अंतर हमने दिया है, इतना गैप दिया है। क्यों कि इनके सबसे ज्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है हेयर्स में। अगर स्प्लिट एंड्स हम नहीं निकालेंगे तो हेयर्स की ग्रोथ रुक जाती है और हेयर्स बहुत डैमेज हो जाते हैं, शाइन चली जाती है, उनका जो डेवलपमेंट रुक जाता है। इसलिए स्प्लिट एंड्स हेयर कटिंग में भी हम काफी कुछ निकाल सकते हैं। वही हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को खत्म कर दें। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड के जो हेयर्स को हम इस तरह से ले गए और स्ट्रेट ले जाने के बाद में जो छोटे बड़े हेयर्स हैं उनको हमने कट किया। फिर से एक बार देखिए
सारे हेयर्स को कॉम करते हुए थोड़ा हाइट पर ले गए, और हाइट पर ले जाने के बाद मैं ये देखिए छोटे बड़े हेयर्स हैं हाफ इंच के करीब, उनको हमने कट किया। इस तरह से अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के कुछ हेयर्स को लेकर नापेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम थोड़ा ट्रिम करेंगे। ये देखिए इतना अंतर है, इसलिए हमने इनको ट्रिम किया। अब दोनों साइड के हेयर्स बिल्कुल इक्वल हैं। नापने के बाद मैं एक अपने को लगा कि एक साइड के थोड़े से बड़े हैं, तो हम दोबारा से चेक कर रहे हैं। ये देखिए हाफ इंच के करीब का अंतर है, वो हम रिमूव करेंगे। हमने हाफ इंच के करीब कट किया और दोनों साइड के हेयर्स को इक्वल किया। इस तरह से हमारे बैक पोर्शन का जो कट है हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए कितना जो डैमेज हेयर थे सबको रिमूव किया है हमने। और इस तरह से थोड़े शॉर्ट तो हो गए हेयर्स, लेकिन वो रिमूव करना भी जरूरी था। एक बार फिर से चेक करते हुए हम कुछ हेयर्स अगर दिखाई देते हैं तो हम उनको ट्रिम कर सकते हैं। और इस तरह से फिनिशिंग बैक पोर्शन के हेयर्स में हमने दी। ये बैक पोर्शन का जो हमारा हेयर कट है कंप्लीट हुआ। और अब फ्रंट पोर्शन का हम हेयर कट करेंगे। ये जो लॉक किए हुए हेयर्स हैं फ्रंट पोर्शन के, लॉक हमने खोला और देखिए स्ट्रेट हम लेकर आए हेयर्स को, और इनको फ्लिक बहुत शॉर्ट नहीं करानी है। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को शॉर्ट पसंद है किसी को नहीं है। तो देखिए हमने इतना करीब 6 इंच के करीब हेयर्स को ट्रिम किया है और इतना शॉर्ट किया है हेयर्स को। इस फ्लिक के कटने से जो फ्रंट पोर्शन का लुक आएगा वो देखिएगा। सबसे पहले हमने सारे हेयर्स को कॉम किया। अब चेक करेंगे कि इक्वल कट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर से ट्रिम करते हुए हमने फ्लिक को तैयार किया। इनकी साइड पार्टिंग ज्यादा सूट इनको करेगी। ये देखिए फिनिशिंग देते हुए अब हम नोचिंग दे रहे हैं, जिससे कि फ्रंट पोर्शन का थोड़ा हैवी लुक आ जाए, फ्लिक का हैवी लुक आ जाए। ये देखिए नोचिंग करते हुए हमने फ्लिक को कंप्लीट किया। और अब हम इस फ्लिक को साइड पार्टिंग के हिसाब से कॉम करके आपको बताएंगे कि इनके ऊपर ज्यादा सूट करेगा। ये देखिए इस तरह से हमारी फ्लिक कंप्लीट हुई। और अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग हमको फ्लिक का कट करना पड़ता है। किसी के फेस पर साइड फ्लिक अच्छी लगती है, किसी के फेस पर सेंटर फ्लिक अच्छी लगती है, किसी के राइट हैंड साइड की और किसी के लेफ्ट हैंड साइड की। ये देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की हमने मांग निकाली है। और बॉक्स सेक्शन करने के बाद में इसको हम थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, जिससे फ्लिक हमारी 2 स्टेप में आ जाएगी। ये देखिए बॉक्स सेक्शन के बाद में हमने 1 इंच के करीब फ्लिक को दोबारा कट किया एक लुक लाने के लिए, स्मार्ट लुक लाने के लिए। जो हमने बॉक्स फ्लिक
का कट दिया है वो देखिएगा आप। ये बिना हेयर सेटिंग के देखिए फेस एकदम चेंज हो गया। हेयर कटिंग के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है फेस के लुक के लिए, किस तरह से हम डिफरेंट लुक ला सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लगने लगा और कट हमारा कंप्लीट हुआ। विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए फ्रंट पोर्शन का हेयर सेटिंग के बाद के किस तरह का लुक आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बैक पोर्शन का देखिए आप, ये बैक पोर्शन का है हेयर सेटिंग के बाद में, पहले हेयर कटिंग की और फिर उसके बाद में हेयर्स को सेट किया, उसके बाद का लुक देखिए आप। विश्वास है आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।